मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। पिछले पार्ट तक हमने क्या हमने नेमिंग ऑफ एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स को डिस्कस कर लिया था। तो आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एग्जांपल 11.1 से स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट देखते हैं कहाँ तक चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो है आईयूपीएसी नेम्स को इनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा हमारा CH3 CH CL CH CH3। ठीक है, अगेन है CH CH3 एंड आफ्टर दैट है CH2 OH। ठीक है, ये है हमारी कंपाउंड गिवन। अब बिफोर दैट उसके लिए हमें क्या करना होगा, नेम नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जहाँ फंक्शनल ग्रुप है। जगह 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लोरो पहले अगर अल्फाबेटिकली तो इसको हम पहले लिखेंगे तो क्या होगा, 4 क्लोरो 2.3 डाइमिथाइल। और पेरेंट चेन में 5 है तो होगा पेंटेन, बट ई नहीं होगा क्योंकि जब आप वन और लिखोगे तो यहां पर ओ आ रहा है, इसलिए यहां पर ई नहीं होगा। ठीक, आप मैच करा रहे हैं तो होगा 4 क्लोरो 2.3 डाइमिथाइल पेंटेन वन और। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकेंड वो है CH3 CH CH3 O CH2 एंड CH3। ये हमारा क्या है, ये हमारा इथाइल है। एंड सिंस ये एक ईथर की है नेमिंग हम करने जा रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे क्या, इथॉक्सी। अब पैरेंट चेन पर चलते हैं, पैरेंट चेन की नंबरिंग हम करें तो 1 2 3, तो सेकेंड पर है इथॉक्सिक तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इथॉक्सी 1 2 3। ठीक है, जो प्रोपेन। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड बेंजीन के केस में है। फिनॉल इसके दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, CH3 प्रेजेंट है। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग होगी यहीं से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, 2.6 डाइमिथाइल। अब ये बेस रिंग क्या है, यहां पर OH भी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिनॉल। ये हो जाएगी हमारी इसकी नेमिंग। अब लास्ट जो है इसको हम देख लेते हैं कि लास्ट है हमारा कि साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है कोई, एक NO2 है इस पर एंड यहाँ पर है OC2H5। अगर क्या इथाइल ग्रुप है, मतलब इथॉक्सी हमें यूज करना होगा। तो चलिए निमी लिखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 इथॉक्सी, क्या 1 इथॉक्सी। फिर 2 पर होगा नाइट्रो। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो थे उनका हो गया। अब ये बेस रिंग हम लिखेंगे, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये थी हमारी एग्जाम्पल 11.1। अब इस इंटेक्स क्वेश्चन को हम देखते हैं।
आए देखते हैं यार, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, इसको हम लिखते हैं CH3, CH2, CH, CH, CH2OH, फिर क्या है CH, CH3 एंड यहाँ पर है हमारा CH2Cl। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या CH3, यही है CH3CH2CH, फिर इसे CH2Cl है CH एंड ऊपर CH2OH है एंड CH CH3 एंड CH3। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, इसमें नंबरिंग स्टार्ट करें। नंबरिंग किधर से होगा, एक काम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग करते हैं। तो ये जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये वहीं से नंबरिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो ये 1 2, अब इधर जाएंगे तो सिर्फ 4 ही कार्बन है और इधर जाएंगे तो 5 होंगे, तो ये 3 4 एंड 5। ठीक है, अब 3 पर क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो मिथाइल। ये हो जाएगा 3 पर क्लोरो मिथाइल। ठीक है, अब सेकेंड पर क्या है, ये 1 ये 1 2 एंड 3 प्रोपेन है और ये क्या है 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल। तो 3 क्लोरोमिथाइल, 2 पर क्या है आइसो प्रोपाइल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल हो गया। अब ये भी हो गए, अब बचे कितने, मेन चेन पे है कितने, 5, तो इसको हम बोलेंगे पेंटेन 1 ऑल। ये होगी इसकी नेमिंग। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CH3CH CH2 CH CH, इसको भी मैं नीचे ले लेता हूँ CH2OH, और यहाँ भी है क्या OH, और ये हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, तो आइए नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तब 2.5 पर क्या है, डाइमिथाइल होगा, 2.5 डाई मिथाइल, ये हो गया 2.5 डाई मिथाइल। अब पैरेंट चेन में कौन से है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा हेक्सेन। अब 1.3 डाईऑल, ये हो गया हमारा इसका नेमिंग। इसका नेमिंग क्या आया, 2.5, क्योंकि 2 पर भी मिथाइल ग्रुप है और 5 पे भी मिथाइल है, तो 2.5 डाइमिथाइल। फिर होगा हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, फिर 1.3, क्योंकि 1 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 3 पर भी है, तो ये 1.3 डाईऑल। ठीक है, इस तरह से होगी हमारी इसकी नेमिंग। फर्दर देखते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर बड़ा ये जैसा है कि एक साइक्लोहेक्सेन है, इस पर यहां पर OH लगा है और यहां पर BR लगा है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबरिंग करनी होगी। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसकी जब हम नंबरिंग करेंगे, 3 पर क्या है ब्रोमो, ये हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये हो जाएगा इसका नेमिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये वाली रिंग 1 पर क्या है ऑल एल्कोहल। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ क्या है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH
फिर है CH2 एंड CH3। इसको इरेज करो, अच्छे से थोड़ा लिख लेता हूँ मैं, पता ही नहीं चला कौन CH2 है कौन सा CH3 है। ठीक है, तो ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, फिर है CH, फिर है CH एंड OH, आफ्टर दैट है CH2 एंड CH3, यही गिवन है। आइए नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग किधर से करें, इधर से, जिधर से डबल बॉन्ड है। ठीक, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो बेस रिंग में कितने हैं, 6 कार्बन है, तो ये क्या होंगे, हेक्स। अब सीन से अल्केन तो नहीं है क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, हेक्स 1 इन, 1 पर क्या है, इन मतलब अल्कीन, 3 ऑल, ये हो गई इसकी नेमिंग। इसकी नेमिंग क्या होगी, हेक्स 1 इन, हेक्स मतलब 6 कार्बन है। ठीक है, और 1 पर क्या है, इन मतलब डबल बॉन्ड, और 3 पर है ऑल मतलब एल्कोहल। बात समझ में आई, अगर आई तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है 5th नंबर उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH2OH एंड यहां पर होगा क्या, Br। आइए नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग किधर से करें, इधर से करेंगे जहां फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1, 2, 3, 4। अब 2 पर ब्रोमो होगा और 3 पर क्या होगा, मिथाइल, तो लिखते हैं 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब बेस में कितना है, 1, 2, 3, 4 जो पैरेंट चेन में है, तो है ब्यूट 2 इन 1 ऑल। सेकेंड नंबर पर है डबल बॉन्ड मतलब 2 इन, और 1 पर है एल्कोहल। अब इन में भी आप देखें तो हम ई एन ई नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख रहे हैं, ई एन लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, इसीलिए हम सिर्फ ई एन लिख रहे हैं। अगर यहीं पर डायऑल होता तो हम ई एन ई लिखते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके नंबर कटवा सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है इंटेक्स क्वेश्चन। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है फर्दर आगे, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, देखते हैं, तीनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनका स्ट्रक्चर गिवन है, इनको डिस्क्राइब किया हुआ है। इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल ये सिग्मा बॉन्ड से ऐड है, formed by the overlap of a sp3 hybridized orbital of carbon with a sp3 hybridized orbital of oxygen, depict structure aspects of methanol, phenol and methoxymethane। ये basically क्या CH3OH है, ये हमारा CH3OH एंड एक है हमारा फिनॉल, यहां पर क्या है डबल बॉन्ड है। ठीक, और एक है हमारा ईथर, दैट इज मिथॉक्सी मिथेन, या फिर हम इसको डायमिथाइल ईथर भी बोलेंगे। CH, H एंड H।
ये हमारा मिथॉक्सिमिथ है। इनके बीच का बॉन्ड एंगल गिवेन है एंड बॉन्ड लेंथ गिवेन है। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या है, इसकी अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाए अगर इस बेंजीन की, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा और इस OH के साथ ये क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, मतलब रेजोनेंस करेंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे। ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये लोन पेयर टूट के यहाँ आ जाएगा। दिस लोन पेयर कन्वर्टेड इंटू पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड कन्वर्टेड इंटू लोन पेयर। ठीक है, तो जब इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, स्लाइटली स्लाइटली डबल बॉन्ड होंगे और डबल बॉन्ड होंगे और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप देख ही सकते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, 136 पिकोमीटर, जबकि ये इसमें 142 पिकोमीटर है एंड इसमें 141 पिकोमीटर है। इन दोनों में तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट इन दिस केस ये क्या है, कम है, 136 पिकोमीटर। तो ये तो हो गई हमारी क्या, बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन। तो अगर आपको बॉन्ड लेंथ पूछ लिया जाए कि किसमें किसका होगा, तो सबसे कम होगा किसमें, फिनॉल में, ठीक, सबसे ज्यादा किसमें है, एल्कोहल में। तो एल्कोहल में अगर मैं इसी मिथेनॉल की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसमें होगा बॉन्ड लेंथ, CH3OH में, फिर होगा इस डाइमिथाइल ईथर में, मैं नंबर ही कर देता हूँ सबसे बढ़िया होगा, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ की और देखें तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, फर्स्ट में, फिर होगा थर्ड में क्योंकि इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, और सबसे कम होगा किसमें, फिनॉल में, सेकेंड में। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, बॉन्ड लेंथ की। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की भी। इसकी जो बॉन्ड एंगल है आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 108.9 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 108.9 डिग्री, ठीक, एंड इन दिस केस ऑफ फिनॉल ये 109 डिग्री, और इन केस ऑफ ईथर ये कितना, 111.7 डिग्री। आप इस बात से भी देख सकते हैं, बॉन्ड एंगल का भी हम कंपैरिजन यहां पर कर लेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप इस बात भी ध्यान रखें कि हम हमेशा ये कहते हैं कि जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, जहां पर हिस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। आप इसके एग्जाम्पल बकायदे यहां पर देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर CH3 ग्रुप जो है वो फिनाइल से छोटा है, इसलिए इसकी बॉन्ड एंगल क्या है, कम है। ये फिनाइल ग्रुप इससे बड़ा है तो इसकी बॉन्ड एंगल इससे थोड़ी ज्यादा है, ऑल्दो है तो 0.1 ही डिग्री बट ज्यादा है। बट इन दिस केस देखें तो ऑक्सीजन के दोनों ही तरफ CH3 ग्रुप है बल्कि की तरह, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन होगा तो एक दूसरे क्या करें, फैलेंगे, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, इससे बीच में क्या होगा, इनके बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसमें होगा, ईथर के केस में। अगर मैं इसको नंबरिंग दूं, थर्ड, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा, थर्ड में, फिर होगा सेकेंड में एंड कब, फिर होगा फर्स्ट में। ये है हमारी बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, जिसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आप लोग को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये बॉन्ड एंगल है, इसका कंपैरिजन बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन, उसको भी हम देखते हैं।
अब एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स है हमारी टॉपिक 11.4, जिसमें अब हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, तो एल्कीन से क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। H2O से आप इसका एडिशन करा दें H2O का, तो एक H प्लस होगा और दूसरा OH माइनस होगा, ठीक है। और एक कार्बन पर हाइड्रोजन जाके ऐड होगा और दूसरे पर OH, तो अल्टीमेटली हमारा क्या बना, एल्कोहल बना। ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और इसी पर क्या है, OH है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल। एंड दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट, दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन। अगर हम यहां पर हाइड्रोजन ले तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन होगा तभी यहाँ पर इथेनॉल बनेगा, अदरवाइज कोई और कंपाउंड होगा तो यहाँ पर कोई और कंपाउंड फॉर्म होगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जांपल है, इस एग्जांपल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्यों, कि ये CH3 है, ये CH है एंड ये डबल बॉन्ड CH2। हमें इसमें क्या करना है, H2 मॉलिक्यूल से वाटर कराना है, वाटर से रिएक्शन करानी है, प्रोडक्ट हमें बनाना है। अब समस्या ये आती है कि हमें तो पता है कि H प्लस एंड OH माइनस का हमें एडिशन करना है, तो समस्या ये आती है कि समस्या जो है वो ये है कि किस पर हम H प्लस ऐड करें और किस पर OH माइनस। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो एक बात का ध्यान दें कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन आप याद रखें, वैसे तो आपको याद होगा ही, बट फिर से मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, जब एडिशन रिएक्शन हो तो एच वहां पर जाकर ऐड हो जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो, ज्यादा हो, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर इन, जब हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, जब HBr और बाकी सब जो HCl HI का हम जब एडिशन कराते थे, तो उस समय हम H को वहां पर ऐड करते थे मार्कोनिकोफ के एडिशन से अकॉर्डिंग, जहां पर हाइड्रोजन ग्रुप ज्यादा होते थे। सिमिलरली वो यहां भी है, फर्क बस इतना है कि वहां पर जो होते थे ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन जो भी थे, तो वहां पर हम क्या करते थे, लेस हाइड्रोजन वाले पर उनको ऐड करते थे, इन दिस केस हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3CHOH एंड CH3। बात समझ में आ गया ना, ठीक। आइए एक जो एग्जांपल इमेज पर करा देता हूं, अब मान लीजिए कि आपको एग्जांपल दिया गया हो CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये क्या ट्यूब्यूट इन है। अब इसका एडिशन आपको कराना है, किस पे, वाटर से इसका रिएक्शन कराना है। अब इसमें आप देखें तो ये सिमेट्रिकल है, तो आप इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन जो है ये एंड ये, इस पर किसी पर भी आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें और किसी पर भी हाइड्रोजन लगा दें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। फर्दर आप इसका जब मान लीजिए SN2 रिएक्शन करा देते हैं, HCl से अगर रिएक्शन करा दे, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, H प्लस यहाँ पर डोनेट करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा और फिर Cl यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 CH2Cl एंड CH3। जब आप इस तरह से रिएक्शन लिख लिख के याद करेंगे, जैसे क्या हुआ, हमें पता चल गया कि अब H2O से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है, तो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी आप रिएक्शंस कराएं, ये नहीं कि वहीं पर छोड़ दें, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आप फर्दर सब्स्टिट्यूशन करा सकते थे, इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आप फर्दर क्या करा सकते थे, अगर फर्दर हम इस कंपाउंड की अगर बात करें तो एलिमिनेशन आप करा सकते थे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जब एलिमिनेशन कराएंगे तो आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा अगेन, जो आपने यहां पर
जहां से आपने स्टार्टिंग की थी, ठीक है। तो ये सारी जब रिएक्शंस आप लिख लिख कर याद करेंगे इस तरह से एक में एक ऐड करके, तो इससे आपको कन्वर्जन करने की भी जो है माइंड सेट होगा, ठीक है। खैर एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। मान लीजिए ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये डबल बॉन्ड है और ये CH2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमें क्या करनी है, वाटर से करानी है, मतलब H प्लस और OH माइनस का मतलब क्या होगा, एडिशन होगा। अब मार्कोनिकोफ एडिशन के हिसाब से आप H एंड OH का क्या करें, एडिशन कर दे। जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां पर क्या करें, हाइड्रोजन को ऐड कर दे। तो इनिशियली वो H2 था, यहाँ पर H3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी। समझ में आया, ये होगी हमारी एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्किन। फर्दर देखते हैं इसकी मैकेनिज्म भी गिवेन है, तो आके देखते हैं कि इसकी आखिर मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये गिवेन है। ठीक है, आइए देखते हैं फ्रॉम एल्किन्स मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म है कि द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्किन टू फॉर्म कार्बोकोटाइन बाई इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ H3O+। मतलब H3O+ की जो अटैक होगी उसकी स्टेप 1 होगी। स्टेप 1 अटैक ऑफ क्या है, H3O+। ये आपको डबल बॉन्ड गिवन है, और ये हो गया आपका H3O+। अब ये जो डबल बॉन्ड है इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, H+ हो गया एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये H2O यहां से निकल जाएगा, माइनस H2O होगा। तो ये डबल बॉन्ड तो टूट गया, डबल बॉन्ड टूट गया तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहां पर आके ऐड हो गया हाइड्रोजन और यहां पर आ गया कार्बोकैटायन, ठीक। अब हम यहां पर क्या बनाए, एक कार्बोकैटायन का जनरेशन हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब वाटर जो है हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब ये जब इस पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, सी, यहां पर क्या है हाइड्रोजन, सी यहां पर ये है और ये, एंड यहां पर हमारा क्या होगा, वो H2+ आएगा। अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके लोन पेयर्स को अपने ओर खींच लेगा और -H+ होगा, ठीक है। या फिर मैं स्टेप 3 में आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं इनको भी इरेज कर देता हूं। अब स्टेप 3 क्या है, डी प्रोटोनेशन ऑफ टू फॉर्म एन एल्कोहल, डी प्रोटोनेशन। अब जो H2O है इसमें से जब इलेक्ट्रॉन, इस जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस बॉन्ड की, ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, इसी को हम बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। ये O है, ये हाइड्रोजन है और ये प्लस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा और यहां से क्या होगा, H+ यहां से निकल जाएगा और फर्दर
किसी और H2O से रिएक्शन करके H3O प्लस बना देगा, ठीक है। और यहां पर एडिशन किसकी हो जाएगी, OH की। ये हो जाएगा हमारा फाइनली प्रोडक्ट। तो ये थ्री स्टेप मैकेनिज्म थ्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन बाय एडिशन ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई। अब इस पेज का काम खत्म होता है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसमें क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा। ये जो है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन डाइबोरेन, डाइबोरेन आपको पता होगा कि BH3 B2H6 बोलते हैं। ये भी यहां पर हाइड्रोजन है, एक यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन होते हैं। कुछ इस तरह का बॉन्ड होता है और एक बनाना बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं ऐसे, क्योंकि बनाना की तरह ये दिख रहे हैं, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। खैर ये सब चीजें अभी अपने काम की नहीं है, बस मुझे अब B2H6 दिखा इसलिए मैं आपको बता दिया। अपने काम की तो इसकी रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है कि डाइबोरेन रिएक्ट्स विद एल्कीन्स टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन्स एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज टू एल्कोहल बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। इसको मैं थोड़ा स्लाइटली इधर कर देता हूँ। अब देखिए यहां पर आपको एक अल्कीन गिवेन है, क्या CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 के जो है, तो आप BH2 एंड हाइड्रोजन को अलग करते हो एक पर ट्वाइस है, तो ये क्या हो BH3 होल ट्वाइस, दैट इज B2H6 डाइबोरेन। अब इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड BH2 होना है, ठीक है। तो इसकी हम एडिशन करा दें। एडिशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि वो लगे कि एंटी मार्कोनिकोप एडिशन है। जी हाँ, आप इस बात को ध्यान दें कि जो आपको, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन फर्स्ट लिया गया है, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं कि आपको एडिशन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आपको जो है एंटी मार्कोनिकोप एडिशन की तरह आपको इसको ट्रीट करना है। मतलब हाइड्रोजन वहां पर जाके ऐड होगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हूं प्रेजेंट हूं। यहां पर हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा और यहां पर CH2 से BH2 लग जाएगा, ठीक। फर्दर हम इसकी रिएक्शन किसे करा रहे हैं, इसी एल्कीन से करा रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड एंड CH2, ठीक है। तो अगेन एक क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है इससे एक क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। बेसिकली मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूं, ठीक है। इनिशियली हमने क्या किया, इनिशियली हमने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, प्लस हमने B2H6 लिया जिसे हमने हाइड्रोजन एंड BH2 के फॉर्म में फर्स्टली लिखा एंड इसको 2 times लिख दिया। अब हमें इसका एडिशन मार्कोनिकोफ एडिशन के अकॉर्डिंग की तरह ट्रीट करना है, ठीक। तो हाइड्रोजन हम वहां पर लगाएंगे जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यहां पर कम है तो यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे, प्लस सॉरी यहां पर प्लस नहीं होगा, यहां पर क्या होगा CH2
और इससे क्या हो जाएगा, BH2 ऐड हो जाएगा। आप फर्दर इस BH2 को BH2 की तरह ना लिखकर आप इस तरह से लिख ले कि ये BH है और ये हाइड्रोजन है अगेन, जैसे आपने यहां पर सेपरेट किया था। अब आप अगेन इस रिएक्शन जब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 से कराएंगे, ठीक, तो अगेन इसी की अब रिएक्शन हमें करानी है। तो अब ये हाइड्रोजन और ये वाली ग्रुप जो है ऐड होना है, तो ये वाली हाइड्रोजन अगेन यहां पर आके ऐड होगी। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा, हमारा बनेगा CH3CH, ठीक है, और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 और ये BH, और सेम यही ग्रुप क्या है, बी से ऐड भी है, CH2 एंड CH3। तो इतना ये वाली मॉलिक्यूल और ये वाली मॉलिक्यूल सीन्स एक ही है, तो हम इतना न लिखकर हम किसी क्यों ना इसी को हम 2 टाइम्स लिख दें। हम इसको इतना सब कुछ ना लिखकर हम इसी को क्या लिख दें, 2 टाइम्स CH3 CH2 CH2, और यहां पर 2 टाइम्स आप लिख दें, यहां पर क्या लिख दें, अगेन BH, ठीक। अब फर्दर आप इसकी रिएक्शन एक और CH3 CH2 मॉलिक्यूल से करा दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से। तो अब ये वाली हाइड्रोजन है ये भी निकल जाएगी, मतलब ये वाली हाइड्रोजन जो है वो यहां पर आकर लग जाएगी और ये मॉलिक्यूल यहां पर। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा अगेन वो बनेगा CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस बी, ठीक है। यही उस बुक्स में जो आपको मैकेनिज्म गिवेन है यही आपको समझाने की कोशिश किया गया है। ये वाला नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ, ये देखिए CH3 CH2 का होल थ्राइस एंड बोरॉन से ये ऐड हुआ है। अब इसकी फर्दर हम रिएक्शन किसे कराते हैं, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्कोहल बाई हाइड्रोजन परोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके सिंस 3 मॉलिक्यूल हैं तो परोक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, और ये OH माइनस ये इस बात को बता रहा है कि ये जो मीडियम है वो बेसिक है। तो आइए अब इसको मैं इरेज कर कर इरेज ना करूं, नेक्स्ट पेज देता हूं। तो हमारा क्या बना था, हमारा बना था कि CH3 CH2 CH2, ठीक है, इसका 3 टाइम्स था और ये बोरॉन था। अब 3 मोल्स ऑफ H2O2 हमें क्या होगी, रिक्वायर होगी, और NaOH आप ले लें फॉर द बेसिक मीडियम। तब ये बोरॉन जो है ये हट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3 मोल्स ऑफ एल्कोहॉल। ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहॉल हुई फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये एक तरह क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये थी हमारी क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ बोरॉन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरॉन एटम्स गेट्स अटैच टू द sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आप इन बातों को आप रीड कर लें और फाइनली जो कंक्लूजन मिलेगा वो यही निकलेगा कि आपको जो एडिशन कराना है हाइड्रोजन एंड BH2 का इनिशियली एंड आफ्टर दैट, तो वो आपको किसका कराना है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ ही कराना है, एंटी मार्कोनिकोफ, सॉरी एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग कराना है। इस पर मैं एक और एग्जांपल ले देता हूं। फॉर एग्जांपल
अब मान लीजिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 है और आपको B2H6 गिवेन है फर्स्ट, और सेकंड आपको लिखा हुआ है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अगर ये रिएजेंट अल्कीन पर लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है कि आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है। अब चूंकि एग्जाम्स में हो सकता है कि आप अब बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये पॉसिबल है कि आपके पास सफिशियंट टाइम हो मैकेनिज्म को लिखने के लिए अगर एग्जामिनर ने बोला है। मान लीजिए कि एग्जामिनर ने इसको जो है मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करने को बोला है, बस बोला है कि आप इसका प्रोडक्ट बना दें। तो जब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना हो तो आपको इतना रायता फैलाने की जरूरत नहीं होती। आप सिमिलरली नॉर्मल सा एक याद रखें कि आपको एडिशन जो कराना है एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग कराना है, किसका, एच एंड ओ एच का। तो इसकी जो हाइड्रोजन होगी यहां पर जाके ऐड होगी, ठीक है, और ये जो CH2 होगा इस पर जाके OH लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। आप इसको चाहें तो वाया मैकेनिज्म भी कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको मैकेनिज्म भी बता दिया एंड यहां पर मैंने डायरेक्ट आंसर करना भी सिखा दिया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का अगर रिएक्शन हो तो आप डायरेक्ट आंसर किस तरह से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ऑल अबाउट क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बिफोर मैं आपको ये बताऊं कि ये रिडक्शन कैसे होंगे, मैं आपको एक नए टॉपिक बता देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। आप इसको रिएजेंट का नाम दे दें, ठीक है, और रिएजेंट फर्दर आपके दो तरह क्लासिफाई किए जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अभी जो अपने काम का है वो है हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो आइए इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग रिएजेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, जिनमें फर्स्ट है हमारा लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब ये H- क्या करता है, डोनेट करता है। आइए देखते हैं इसका, इन शॉर्ट हम इसको LiAlH4 भी बोलते हैं, कभी कभी LaH भी लिखा आता है, लिथियम एल्यूमिनियम एंड हाइड्राइड। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो किस किस को रिड्यूस करता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ये एसिड को रिड्यूस करता है एल्कोहल में, कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एस्टर्स को कन्वर्ट करता है। एस्टर्स हम किसको बोलते हैं, RCOR-,
COOR-, ये हमारा क्या एस्टर है, ये इसको रिड्यूस करता है कहाँ, एल्कोहल में, ठीक है। एसिड हेलाइड को भी रिड्यूस करता है RCOCX, RCOX, एक्स आपको क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, इसको भी रिड्यूस किसमें करता है, एल्कोहल में रिड्यूस करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये रिड्यूस करता है, एनहाइड्राइड्स को भी रिड्यूस करता है, एनहाइड्राइड्स किसे बोलते हैं, RCOOCOR-, इसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसको भी रिड्यूस करता है किसमें, एल्कोहल में। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है, ट्रीट किया जाता है। अब बारी बारी देखते हैं कि इसकी रिडक्शन किसकी किसमें होती है, एंड एक एक का हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये एसिड के को कैसे रिड्यूस करता है, एसिड RCOOH, ये हो मान लीजिए कोई जनरल एसिड है हमारा, आपने इसमें क्या डाल दिया, LiAl4। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखें, क्योंकि मैकेनिज्म अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, RC। अब जहां पे C11O है यहीं पर क्या हो जाएगा, LOH ऐड हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, CH2। दिस इज द रिडक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। अब ये आपका एसिड जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, मान लीजिए आपका हो जाए CH3, CH2, C11O OH। आपने क्या किया, AlIL4 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जब AlIH4 ऐड करेंगे तो ये डायरेक्टली इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH2 CH2 OH में, ये आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको CH3 COCH3 गिवेन है, किसको हम एसीटोन बोलते हैं, ये आपको गिवेन है, आपने LiLH4 से क्या किया, रिडक्शन। जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये जो है, सॉरी ये कार्बोनिल कंपाउंड आ गया, मैं तो एसिड डिस्कस कर रहे थे ना अभी, ये आपको बेसिकली कन्वर्ट कर देगा कार्बोनिल कंपाउंड को भी किसमें, एल्कोहल में, आपने LiLH4 लिया, ठीक है। ये थी रिडक्शन ऑफ किसकी, एसिड की। तो अगर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में आप ये भी ध्यान दें कि अगर कोई एसिड भी गिवन हो ना और आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल में, तो आप सिंपली उसमें AlIL4 से रिडक्शन करा दें तो आपका एल्कोहल में कन्वर्ट वो हो जाएगा, बात समझ आगे, ठीक है। अब देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड हम किसे बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को बोलते हैं, आप इस बात को ध्यान दें कि अगर C11O है तो इसकी दो वैलेंसी, अगर दोनों ही वैलेंसी जो है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप करता है, फॉर एग्जांपल ये C11O है और इसकी जो दोनों वैलेंसी है इसकी कंप्लीट करती है, मान लीजिए CH3 एंड इस साइड है CH3 CH2, तो ये हमारा कीटोन होगा। और अगर कार्बोनिल किसी एक साइड हाइड्रोजन हो और दूसरी साइड कोई भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन हो, CH3 CH2 मान लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड जो होती है वो CHO होता है, एल्डिहाइड होता है CHO, जिसमें हम C OO और एक साइड H रखते हैं, और कीटोन में जो है वो हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। यही डिफरेंस होती है एल्डिहाइड और कीटोन में, इसलिए हम इनको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई एल्डिहाइड ले लिया,
मान लिया CH3COH, आपने इसको इस एल्डिहाइड को ले लिया, ठीक, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं LiAlH4 से, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है, और जो आपको फॉर्म होगा वो होगा CH3CH2OH, जो कार्बोनिल रूप है इसको डायरेक्टली ये OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एक और मान लेते हैं CH3CH2COH है, इसका भी आप LiAlH4 से रिडक्शन कराएं, इसको एक इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ये एल्कोहल में, ठीक है। ये ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड ओपो OH में कन्वर्ट कर दिया, ये थ्री रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। अब कीटोन के देख लेते हैं, मान लीजिए आपको एसीटोन गिवेन है CH3CO CH3, ठीक है, आप इसकी रिडक्शन करा रहे हैं किससे, LiAlH4 से। तो जब आप इसकी रिडक्शन करा रहे हैं तो इस कार्बोनिल ग्रुप को जो C11O है इसको वो डायरेक्टली OH में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये कोई भी आप ग्रुप ले सकते हैं, आप साइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए डबल बॉन्ड हो है, ये भी क्या है, कीटोन है, क्योंकि इस साइड भी एक कार्बन की चेन है और इस साइड भी कार्बन की एक चेन है, आपने इसकी रिडक्शन करा दी LiAlH4 से, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा वो एल्कोहल होगा। आप ये रिडक्शन किसी पर भी करा सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स पर भी ये ट्रू होता है। मान लीजिए आपने फिनाइल सी CH ले लिया, इसकी भी आप अगर LiAlH4 से रिडक्शन कराएं तो इसको जो है C11O ग्रुप को ये डायरेक्टली एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। आप फर्दर अगर आप अब याद करने का तरीका देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, अब आपको ये मिल गया, अब आप यहीं पे स्टॉप मत करिए, इसके बाद एक काम करिए, आप सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए HCl से सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, आपको क्या मिलेगा, Cl मिल जाएगा। आप फर्दर इसकी क्या रिएक्शन करा सकते हैं बताइए, आप इसकी फर्दर रिएक्शन करा दें किससे, FcNaOH से। एक्वास करेंगे तो अगेन इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी एंड अगेन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी फिनाइल CH2OH। अब देखिए आपने LiAlH4 को भी याद किया, HCl का एडिशन भी याद किया, बेसिकली एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन, एंड उस Cl को हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भी चेंज करना सीखा, तो एक साथ आपने तीन तीन तरह के रिएक्शन सीखे। ये इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। हमने किस किस की बात की, हमने एसिड की बात की, एल्डिहाइड की बात की एंड कीटोन की बात की, अब हम एस्टर की बात करते हैं। एस्टर की हम बात करें तो ये RCOOR- ये होता है एस्टर, और LiAlH4 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये वाली ग्रुप हमारी निकल जाती है, और जिससे ये CO लगा हुआ है जिस ग्रुप से R से, तो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, प्लस ये जो RO है ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो आप यूं समझ लें कि इसमें हमें दो तरह के एल्कोहल मिलते हैं, एक RCH2OH एंड एक RO-H। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 सी डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा क्या है, एस्टर है। आपने LiAlH4 से इसकी रिडक्शन कराई, जब आप इसकी LiAlH4 से रिडक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ऑब्टेन प्रोडक्ट जो आपको होती है, एक इसका एल्कोहल बनेगा इस वाले कंपाउंड का, एक इसका, मतलब एक बनेगा आपका CH3CH2
CH2OH प्लस जो सेकंड बनेगा वो होगा CH3OH। दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक होगा आपका प्रोपेनॉल और एक होगा आपका मेथेनॉल। ठीक है, बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए CH3 है, CH2 है, CO है और ये है O, CH2 एंड CH3। आपने LiLH4 से इसकी क्या रिडक्शन कराई, अब ये दोनों ही क्या बनेंगे, एल्कोहल बनेंगे। ये CH3 CH2 है और ये C11O जो है ये भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो ऑब्टेंड होगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2OH प्लस ये जो होगा CH3 CH2 CH2 एंड OH। ये दोनों हमारे क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तब इन दोनों देखिए सेम ही है, तो इन दोनों को अलग अलग ना लिखकर हम एक ही बार में इनको 2 मोल नहीं लिख देंगे कि इसके 1 मोल से ही हमें 2 मोल मिलता है, बात तो वही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप याद रखें। ये थी हमारी रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, एस्टर्स की बात हो गई एंड और कौन से कंपाउंड छूट रहे, कोई छूट रहा है क्या? एस्टर्स हो गया, छोड़े जाने, फिलहाल के लिए हमारे काम का यही था। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फर्दर देखते हैं। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये तो जी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये भी, और ये पैलेडियम H2 पैलेडियम H2 कैटलिस्ट। ठीक, अब जो सेकेंड हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस पे, सोडियम बोरोहाइड्राइड को। इसे हम प्यार से NaBH4 बोलते हैं। ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये उतना स्ट्रांग नहीं है LiLH4 के तरह। ये उन सारे जो है फंक्शनल ग्रुप्स जिनको मैं पिछले प्रीवियस लिखा था, ये उन सभी को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, ये जो है किसी भी एसिड को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, ये जो है सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है। एंड एजाइड है एक RN3, आपने अगर नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, इसका कुछ खास यूज नहीं है। ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है और RN3 को रिड्यूस करता है। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को इसमें डाल दें, इसकी रिडक्शन कराएं, तो अगेन एज इट इज जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह ही इसमें प्रोडक्ट आपको ऑब्टेंड होगा। ठीक है, और इस तरह के ग्रुप को हम एजाइड बोलते हैं, और इनकी रिडक्शन आप अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड से करें तो ये आपको एमाइन गिवेन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये कुछ बातें थी, तो ये था हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमारे काम का सिर्फ इसका कार्बोनिल कंपाउंड का ही इफेक्ट है, आप अगर एजाइड भी याद रख सकें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा है रिड्यूसिंग रिएजेंट वो है हमारा H2 पैलेडियम चारकोल। ठीक है,
आइए देखते हैं H2 पलेडियम 4। तो आइए देखते हैं, ये जो आपका है H2 पलेडियम चारकोल या फिर NO2 ग्रुप को, कोई भी NO2 ग्रुप है, इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर साइनाइड है फंक्शनल ग्रुप, इसको CH2 NH2 में कन्वर्ट कर देता है। एंड अगेन अगर कोई एजाइड है RN3, तो इसको RNH2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक, एक और खासियत है इसकी कि ये जो है डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए आपको CH3, ये CH3 और ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, आप इसकी अगर रिडक्शन, इस डबल बॉन्ड को हटाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई कन्वर्जन हो जिसमें कि इसको आपको हटाना है डबल बॉन्ड को, तो आप इसको रिडक्शन H2 पलेडियम प्लस चारकोल से करा दें, तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ये हट जाएगा। बेसिकली डबल बॉन्ड को भी ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इसकी ये वाली यूज बड़ी बहुत होती है। जब आप कन्वर्जन करें, मान लीजिए आपको डबल बॉन्ड हटाना है डायरेक्टली, और डबल बॉन्ड हटाना है तो आप इसकी रिडक्शन करा दें H2 पलेडियम चारकोल से, डबल बॉन्ड आपका डायरेक्टली क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रिडक्शन विद H2 पलेडियम चारकोल। जब जब जहां जहां जरूरत होगा मैं इनका एक एक यूज करता जाऊंगा। अब एक ही चीज को बार बार पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं एक ही जो रिड्यूसिंग रिएजेंट्स जो हैं अपने काम के, उन सभी को एक ही बार में डिस्कशन करना पसंद करता हूं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, दैट इज मेटल प्लस एसिड, दैट इज मेटल एंड एसिड। जो नेक्स्ट है हमारा वो है मेटल एंड एसिड। मेटल एंड एसिड आपका ये हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं, जिंक प्लस HCl हो सकता है आप ले लें। ठीक है, या फिर जिंक प्लस H2SO4 ले लें। आपने हो सकता है इन सभी का नाम सुना भी हो। ठीक है, Rn+HCl ले लें, Fe+HCl। ठीक है, मेटल है और ये एसिड है। ठीक है, आप या फिर Rn+H2SO4 ले लें, Fe+H2SO4 एटसेट्रा, या फिर आप 3+HCl भी ले सकते हैं। ये जितने भी मेटल प्लस एसिड्स आप याद रखें कि मेटल्स एंड एसिड्स जो है रिडक्शन का काम, रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम करते हैं। और बात आती है कि किस किस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड को, वेदर दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन, इसको जो एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये जो है डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं करता, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन पर कोई इफेक्ट नहीं करता, नो इफेक्ट। मतलब ये जो है एज इट इज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बट अगर कोई साइनाइड ग्रुप है आपके कंपाउंड में, तो ये उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, CH2 NH2 में। ठीक, तो ये थी हमारी बात।
किसकी, मेटल्स एंड एसिड्स की। ठीक है, एक और रिडक्शन है डायब्लच का, उसकी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर अपने टॉपिक पे चलेंगे। इसको हम बोलते हैं डायब्लच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके आप पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर इन होते हैं बेसिकली, ये क्योंकि ये डाई है तो टू टाइम्स होगा, ये देख सकते हैं 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल है, और फिर क्या एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो आप एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दें, ये आपका हो जाएगा किसका स्ट्रक्चर, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। खैर इसके स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है हमारा। अब बात करते हैं कि किस किस को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये जो है अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आपके पास कोई भी साइनाइड ग्रुप हो RCN, इसको जो है ये एमाइन में कन्वर्ट नहीं करता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। बाकी सारे रिएजेंट्स जो है वो डायरेक्टली या तो एमाइन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, लेकिन इसकी खास बात ये है कि एमाइन में कन्वर्ट नहीं करता, ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज इट्स इम्पोर्टेंस। ये जो है साइनाइड को अगर आप डायब्लॉक से रिडक्शन कराएं तो वो जो है साइनाइड ग्रुप वो सीधे आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फर्दर आप इसकी रिडक्शन आप चाहे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा ले या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा ले, टू गेट व्हाट, टू गेट एल्कोहल, अगर आपको एल्कोहल पाना है तो। आप फर्दर इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, आप सब्स्टिट्यूशन करा दें, फर्दर उसका एलिमिनेशन करा दें, एलिमिनेशन के बाद एडिशन करा दें, ये पैटर्न बढ़ता जाएगा ना। मान लीजिए अगर हम आर को फिक्स कर दें, मान लीजिए हमने आर को फिक्स कर दिया CH3CH2, तो ये हमारा एल्कोहल जो है वो क्या हुआ CH3CH2OH होगा, ये दोनों सेम होंगे जब हम आर को फिक्स कर देंगे। अब आप इसकी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं एल्कोहलिक, सॉरी एलिमिनेशन आप यहां से ना करें, फर्स्टली इसका आप क्या कर दें सब्स्टिट्यूशन कर दें HBr से, आपको क्या मिल जाएगा CH3CH2CH2NBr, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। ठीक है, आप फर्दर इसमें एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, एलिमिनेशन हो जाएगा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। आप इसमें HBr ले लें अगेन, लेकिन इसमें परोक्साइड के साथ ले लें, जब परोक्साइड के साथ लेंगे तो आपका एज इट इज सेम यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन आप जब परोक्साइड को न लेकर सिर्फ HBr का रिडक्शन कराएंगे तो मार्कोनिको का एडिशन होगा। इसका जो है इस वाले कंपाउंड का इसका जो है आइसोमर यहां पर फॉर्म हो जाएगा, इसके आइसोमर का फर्दर रिएक्शन करा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा सकते हैं आगे, या फिर सोडियम प्लस ईथर से रिएक्शन करा के वुड्स रिएक्शन करा सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आप जितने रिएक्शंस करा सकते हैं कराते जाइए, एक चेन बनाते जाइए एक के बाद एक एक के बाद एक, ताकि जो रिएक्शन हो आपको याद हो। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस की, जो RCN है इनको एमाइन में ना कन्वर्ट करके ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक, एक और चीज RCOOR- एस्टर, अगर डायब्लक से आप रिडक्शन कराते हैं और आप नहीं चाहते कि एल्कोहल में कन्वर्ट हो, क्योंकि आप LiLH4 अगर रिड्यूस
अगर हम यूज कर ले तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उसको डायरेक्ट एल्कोहल में ले जाएगा। जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ लें, तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बीच के स्टेशन पर नहीं रुकती, वो सीधे अपने टर्मिनल पॉइंट पे ही जाके रुकेगा। लेकिन मान लीजिए आपको बीच में ही रुकना है, उतरना है, कहीं इंपॉर्टेंट काम है। अब इंपॉर्टेंट काम है तो उस ट्रेन में तो आप चढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो कुछ ज्यादा ही आगे लेके चला जाएगा आपको। तब इन दैट केस आप क्या करते हैं, ट्रेन चेंज कर देते हैं। सिमिलरली जब आपको एस्टर को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज ना करके आप डेवलज का यूज करें, टू गेट व्हाट, टू गेट एल्डिहाइड। क्योंकि एल्डिहाइड क्या है, बीच का स्टेशन है। अब एस्टर क्या होता है, अगर एलाइल एच फोर बना लेते हैं तो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता, फिर फर्दर उसके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे उसी तरह का हाल है, जैसे कोई ट्रेन है तो आपके स्टेशन पे वो रुकती नहीं है, लेकिन क्रॉस तो करती है, उसको क्रॉस करती है तभी अपने टर्मिनल पॉइंट पर जाती है, लेकिन रुकी नहीं, आपका काम नहीं हुआ। और आप अगर चाहें तो पहले यहां पर रुक जाएं और फिर उसके बाद दूसरी ट्रेन पकड़े तो टर्मिनल पॉइंट पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए एल्कोहल तक जाना है, लेकिन यहां पर कुछ काम है, इससे आपने यहां पर रुका, फर्दर आपने इसके एल आई एल एच फोर से रिडक्शन करा दिया। अब एल आई एल एच फोर ले लें या सोडियम बोरो हाइड्राइड ले लें, तो आपको फर्दर उसी टर्मिनल पॉइंट पर क्या कर देगा, पहुंचा देगा, मतलब एल्कोहल पर पहुंचा देगा। ये है कुछ यूजेस ऑफ डायवलज, ठीक है। एंड अगेन ये भी जो है कोई डबल बॉन्ड डू नॉट अफेक्ट, द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कुछ थी अपनी इंपॉर्टेंट रिडक्शंस, कुछ और भी एक आध दो रिएक्शंस हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका डिस्कस हम तब करेंगे जब उनका यूज आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। मैंने एल आई एल एच फोर यूज आपको बताया, सोडियम बोरोहाइड्राइड बताया, ठीक है, मेटल प्लस एसिड बताया, एच टू पैलेडियम चारकोल बताया, जो कि डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। फिर मैंने आपको डायब्लच होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, कि आपको मान लीजिए कि कहीं बीच में ही डायरेक्टली एस्टर से आपको एल्कोहल में कन्वर्ट न करके एल्डिहाइड पे ही रुकना है आपको, तो आप इन दैट केस आप जो है इन दैट केस आप डेवलप का यूज करें, ठीक है। तो अब ये देखते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो एक काम करते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर थर्ड में, एंड उसमें हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो टिल दैट थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।